हेलो स्टूडेंट्स हम फर्टिलाइजेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में थर्ड स्टेप एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पैनिट्रेशन पढ़ा था आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट स्टेप फॉर एक्टिवेशन ऑफ ओवम के बारे में पढ़ेंगे एक्टिवेशन ऑफ द ओवम जैसे ही स्पम की एक्रोसोमल ट्यूब्यूल एग की प्लाज्मा को टच करती है वैसे ही दोनों मैम्रेन आपस में जुड़कर एक कॉमन मेम्ब्रेन बनाती हैं और इस तरह दोनों गैमेट्स की एक सेल का निर्माण करती हैं। इस समय ओवा में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं जिन्हें हम जॉइंट फॉर्म से एक्टिवेशन ऑफ ओवम कहते हैं इसमें जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं ए फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन बी कॉर्टिकल रिएक्शन एंड कॉर्टिकल रिएक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मैम्रेन एंड सी मेटाबोलिक एक्टिवेशन फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलान का फ्यूजन होता है वैसे ही कॉन्टेक्ट साइट पर एग का जो साइटोप्लाज होता है वो फूल कर एक कॉनिकल स्ट्रक्चर का निर्माण करता है जिसे फर्टिलाइजन फर्टिलाइजेशन कौन कहते हैं जनरली ये जो फर्टिलाइजेशन कौन होता है वो कॉनिकल शेप का ही होता है लेकिन कभी कभी फॉर्मेशन होता होता है, है। वो प्रोसेस के रूप में भी होता है। और ये फर्टिलाइजेशन कौन धीरे धीरे स्पम को अपने आप में निगल लेता है स्पम को एग में निकल लेने के बाद ये जो कौन होता है वो डिस हो जाता है और इस क्रिया में जो एप्रोसोम ग्रेन्यूल्स होते हैं वो कभी भी उस ओवा में एंटर नहीं करते हैं एग में जो स्पम का न्यूक्लियस होता है वो और जो मिडिल पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया और प्रॉक्सिमल सेंट्रुल होते हैं वो ही उसमें एंट्री करते हैं तो इस तरह से पहले फर्टिलाइजेशन कौन बना और फर्टिलाइजेशन कौन की जगह से जो स्पम का पार्ट होता है स्पम का न्यूक्लियस मिडल पीस और मिडिल मिडिल पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोक्सीमल सेंट्रियल एंटर कर जाते हैं और फिर बाद में ये जो फर्टिलाइजेशन कौन होता है वो डिसअपियर हो जाता है नेक्स्ट इज कॉर्टिकल रिएक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। जो फर्टिलाइजेशन कोन होता है उसके बनने के तुरंत बाद एग के जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें जो कॉर्टेज में अनेक तरह की फिजिकोकेमिकल रिएक्शन शुरू हो जाते हैं जिसे कॉर्टिकल रिएक्शन कहते हैं ये रिएक्शन अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह की होती हैं जो कि बाद में फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के बनने के बाद समाप्त हो जाती हैं जो स्पम के कांटेक्ट आने पर जो ओवा होता है उसके कॉर्टेक्स जो लेयर होती है वहां पे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल फट जाती है और उनमें से एंजाइम्स, स्ट्रक्चरल प्रोटीन म्यूको पॉलेसेकेराइड रिलीज होते हैं जिसे कॉर्टिकल रिएक्शन कहते हैं इस रिएक्शन से पहले जब स्पर्म एग के कांटेक्ट में आता है तो उस समय इसमें जो फैट होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन uh, इक्वल हो जाता है और जिसके कारण इस जो एग होता है उसका कलर येलो हो जाता है यानी कि जो एग है उसके कलर में चेंजेस आ जाते हैं। अब इसमें जो कॉर्टिकल ग्रेनुल से जो रिलीज एंजाइम्स होते हैं, वो एग की डॉर्सल सरफेस पर उपस्थित जो स्पर्म रिसेप्टर ग्लाइकोप्रोटीन ह उसको कर कर देता है जिससे कि इसमें दूसरे sperm एंटर नहीं कर सकते और जो cortical granules की की होती है है वो से से जुड़ जाती है। cortical granules से जो एंजाइम ट्रिप्सिन एंजाइम रिलीज होता है जो कि एग की, की प्लाज्मा मेंब्रेन और वैटलिन के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं उनको तोड़ देता है जिससे वाइटलन मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्री हो जाती है तो इस तरह से हमने देखा कि जो एग है बेसिकली इनिशियली उसमें दो मेम्ब्रेन पाई जाती है आउटर वन कॉल्ड वाइटल मेम्ब्रेन और जो इनर वन होती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं और एक कॉर्टिकल ग्रेन्यूल की लेयर होती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे पाई जाती है और जो आउटर वाइटल मेम्ब्रेन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग होने के बाद ये फैल जाती है और इससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वाइटल मेम्ब्रेन के बीच में एक चौड़ा रिक्त स्थान विकसित हो जाता है जिसे प्री वाइटल स्पेस कहते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के द्वारा सीक्रेटेड पर ऑक्साइड एंजाइम्स वाइटलिन मेम्ब्रेन में उपस्थित प्रोटीन के टैरोसिन क्रॉस बॉन्ड बनाने के लिए प्रेरित करता है जिससे में प्रीवाइट स्पेस में हाइलिन लेयर का निर्माण होता है जो कि पॉलिस को रोकता है इस तरह से जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का जो निर्माण होता है वो एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है और ये प्लाज्मा फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन देर से आने वाले स्पर्म्स की एंट्री को रोकती है तो इस तरह से कॉर्टिकल रिएक्शन होने के साथ साथ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण होता है जो कि पॉलिस्पर्मी को रोकने का काम करती है नेक्स्ट इज मेटाबॉलिक एक्टिवेशन स्पर्म की आ, एग में एंटर करते ही जो उसका एग का साइटोप्लाज्म होता है उसमें बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं और ये होती है जैसे चेंजेस इन परमेबिलिटी ऑफ एग प्लाज्मा मेमब्रेन आयोनिक चेंजेस रेस्पिरेशन चेंजेस चेंजेस इन द रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड इनिशिएशन ऑफ माइटोसिस पम के एंटर करने से ही एडिनाइल साइक्लिस एंजाइम्स एक्टिव हो जाता है और ये थ्री फाइव साइक्लिक एएमपी का निर्माण करता है जो कि अधिकांश मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को एक्टिवेट करता है और फर्टिलाइजेशन के समय एग में डिफरेंट पॉजिटिव आयंस जैसे सोडियम पोटेशियम कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं साथ ही फर्टिलाइजेशन के समय एनएडी काइनेस एंजाइम्स एक्टिवेट होकर को एंजाइम एनएडी NAD, से एनएडीपी NADP और एनएडीपीएच का निर्माण करता है और जो फर्टिलाइज एग होता है उसमें रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाता है जिससे जो खाने के जो मटेरियल होता है उसकी ऑक्सीडेशन की रेट बढ़ जाती है फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद प्रोटीन सिंथेसिस की रेट भी बढ़ जाती है और पॉलिसाइड जो होते हैं उनका टूटने की जो दर हो उसमें भी वो भी बढ़ जाता है यानी कि जो कॉलेसे होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट में टूटते हैं और फर्टिलाइजेशन की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि एग में क्लीवेज की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है क्लीवेज मींस माइटोटिक डिविजन फर्टिलाइजेशन की बात डीएनए का सिंथेसिस पड़ जाता है और जो स्पम होता है वो अपना प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एग में प्रवेश करा देता है जिससे माइटोसिस के लिए ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल माइटोटिक डिवीजन के लिए आवश्यक होता है जिससे स्पेंडल फॉर्मेशन बनता है और इस तरह से स्पम के एंट्री के बाद जो एग होता है वो डिवीजन के लिए तैयार हो जाता है तो इस तरह से कई सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एग के साइटोप्लाज्म में होती हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स आज हमने फर्टिलाइजेशन का जो फोर्थ पॉइंट है एक्टिवेशन ऑफ ओवम के बारे में पढ़ा कि स्पम के कांटेक्ट के बाद स्पम जब एग में एंटर कर जाता है तो एग के साइटोप्लाज्म में कितने सारे चेंजेस आते हैं, उसकी उसके चारों तरफ फर्टिलाइजेशन फर्स्ट सबसे इनिशियली स्टेज में पहले फर्टिलाइजेशन कौन बनता है जिससे स्पम एंटर करता है और फिर उसके बाद नेक्स्ट उसके चारों तरफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाती है जो कि पॉलिसपरमी को रोकती है और उसके बाद उसके एग के साइटोप्लाज्म में कई डिफरेंट चेंजेस होते हैं कि उसका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है डीएनए सिंथेसिस बढ़ जाता है प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाता है और जो स्पर्म का सेंट्रिओल उसमें प्रवेश कराता एंटर कराता और न्यूक्लियस एंटर कराता उसके बाद इनमें ये एक्टिवेट होकर के और जो सेंट्रियोल है वो माइटोटिक डिवीजन के लिए स्पिंडल फॉर्मेशन बनाने का काम करता है तो इस तरह से जो अब ये न्यूक्लियस है वो एक नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट प्रोसेस क्लीवेज के लिए तैयार होता है ओके थैंक्स क्लास